अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीटा ब्रेड। यहाँ मैंने ली हूँ गरम पानी, ये हॉट वाटर है, एक ग्लास ली हूँ मैंने। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून ईस्ट, ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा बहुत ही इजीली। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून शक्कर। ईस्ट को एक्टिव होने के लिए 5 से 6 मिनट लगता है। इसे मैं अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर दूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है और शक्कर भी जो है वो घुल गया है पानी के अंदर। अब मैं इसे रख दूंगी साइड पे। यहाँ मैं एक लूंगी बाउल और अब मैं यहाँ पे एक छन्नी भी लूंगी साथ में। और मेरे पास है 4 कप मैदा। मैं इसे धीरे धीरे छन्नी में छान लूँगी। ऐसे करने से पीटा ब्रेड बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब जैसे लम्स नहीं बनते हैं, सॉफ्ट उसकी डो बनती है। यहाँ मैं 2 कप मैदा अलग कर दूँगी और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और इसे मैं मैदे में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे भी मैं मैदे में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब यहाँ पे जो ईस्ट मैंने भिगा के रखी थी, ईस्ट शक्कर पानी में, ये पानी मैं इसमें धीरे धीरे ऐड कर दूँगी और इसे स्पून की मदद से मैं मिलाते रहूँगी, मिक्स करते रहूँगी। इस तरह से सारी जो पानी है ईस्ट का वो आपको पूरा ऐड कर देना है और मैं इसे स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा गीलापन की तरफ है तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से आपको पूरी तरह से इसे आटे की तरह गूंथ लेना है। जिस तरह ये जो थोड़ा बहुत गीला लगता है हाथों में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 3 कप मैदा यूज़ करी हूँ और डो रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर और मैं इसे कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लेकिन 1 घंटे के लिए ही रख रही हूँ। 1 घंटा हो गया है, आटा काफ़ी फूल चुका है। आप चाहे तो इसे 2 घंटा या 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे आटा और फूल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने यहाँ पे 1 घंटा ही रखी थी। मैं इसे थोड़ा सा गून लूँगी हाथों की मदद से। इसमें थोड़ा एयर जाता है तो ये एयर निकालने के लिए मैं इसे थोड़ा सा गून लेती हूँ। मैं थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करूँगी और ये देखिए पीटा ब्रेड का जो आटा है वो रेडी हो चुका है। इसकी छोटी छोटी सी मैं लोई बनाऊंगी इस तरह से कट लगाकर। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथों में आटा, ड्राई आटा ली हूँ और मैं इसकी बॉल जितना शेप दे रही हूँ आटे को, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से मैंने सारे आटे की छोटी छोटी बॉल बना दी। कुछ छोटे बॉल्स बनाई और कुछ बड़े बॉल्स मैंने बनाई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं आटे की लोई लूँगी और उसे जो बचे हुए आटे हैं उसको मैं कवर कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे रोलिंग बोर्ड में डाल रही हूँ आटा, ड्राई आटा, और मैं इसे फिर से एक अच्छे से राउंड कर दूँगी शेप में। और अब मैं इसे रोलिंग पिन से इसे मैं हल्के हाथों से बेल रही हूँ। ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना है आटे में और इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बस इतना ही काफ़ी है। और ये रेडी हो चुका है। मैं जब ये रोटी बना रही थी, पीटा ब्रेड बना रही थी, तो मैंने साइड पे पैन रखी थी स्लो फ्लेम पे। अब मैं यहाँ पे गैस जो है वो हाई फ्लेम पे कर दूँगी और अब मैं यहाँ पे पीटा ब्रेड की रोटी डाल दूँगी। गैस रखना है अभी आपको हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़े से बबल्स आ गए हैं, तो मतलब जो निचली साइड है वो पक रही है, ये देखिए।
यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक आपको टर्न नहीं करना है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ फूला हुआपन आ जाएगा तब आपको इसे टर्न करना है, और आप इसे आपको हल्के हाथों से, मतलब हल्के स्पैचुला से आपको इसे इस तरह से राउंड राउंड करना है। ये देखिए ये हो गया है, रेडी हो चुका है। मैं अभी इसे साइड पे निकाल दूंगी और इसी तरह से मैं सारे बना दूंगी। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पीटा ब्रेड के ऊपर घी। आप चाहे तो मस्के को भी, बटर को भी मेल्ट करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट बन चुकी है, तैयार है यहाँ पे पीटा ब्रेड। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, आप इसे हमस के साथ खा सकते हैं, शोरमा के साथ खा सकते हैं, शोरमा इसमें बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।